फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स का एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। अपने तो पूरा कमेंट बॉक्स पर ना ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल पेपर संस्कृत का सिक्स क्लास का ओरिजिनल पेपर, अपना जिला का नाम जरूर कमेंट कीजिए, प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेक कीजिए। और कमेंट में मैं आपका लिंक प्लेलिस्ट का डाल दूंगा। इंग्लिश पेपर का ओरिजिनल पेपर हमारे पास आ चुका है, आप जरूर कमेंट कीजिए कि आप किस जिला से हैं, आपके जिला सब जो जिस जिला का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा हो मैं उसी जिला का केवल वीडियो बना रहा हूँ। जिसका नहीं लड़ रहा है यानी कि उसका कमेंट बहुत ही कम आ रहा है इसलिए मैं उसका नहीं लड़ रहा है और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और उसको ओरिजिनल पेपर मिल ही नहीं रहा है उसको, और बहुत बच्चों का लड़ रहा है, बहुत बच्चों का लड़ रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, संस्कृत का वर्ग छठी के संस्कृत का 28 मार्च का प्रथम पाली का। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्ठात पदम चित्वा रिक्त स्थाने पुरत, कोष्ठ को देखकर, कोष्ठ से चुनकर जो पद है चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहला है पाटलिपुत्रम .. राजधानी अस्थित, तो पाटलिपुत्रम किसका राजधानी है, तो बिहार राज्य का राजधानी है, बिहारस्थ बिहार का राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद .. प्रथम राष्ट्रपति अस्थि, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के राष्ट्रपति थे सबसे प्रथम, तो ये बाहर भारत का हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास अहम .. छात्र अस्मि, अहम .. छात्र अस्मि, तो इसका क्या हो जाएगा, षष्टम वर्गस्य। ठीक, अगला है .. जलम क्षारम भवति, तो इसका क्या हो जाएगा, समुद्रस्य, समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। ठीक, अगला है आपका शुभ कार्य शुभ .. आवश्यकता आवश्यकता भवति भवति, तो गंगा जल से, गंगा जल जो होता है वो हमारे शुभ काम में जो कथा होता है, पूजा वूजा होता है, तो गंगा जल का बहुत जरूरत होता है। तो आप अपना कमेंट में जरूर जिला का नाम लिखिए ताकि आपका सबसे ज़्यादा हो जाए, मैं आपका वीडियो ओरिजिनल संस्कृत का डाल सकूँ। संस्कृत का तो यही है, इंग्लिश का मैं कल डाल सकूँ, इंग्लिश का और जो एक और सब्जेक्ट है जो। तो चलिए अम्मा आगे बढ़ते हैं, बहुत बच्चों का आ गया है तो थैंक्स जरूर लिखिएगा कमेंट में जाकर। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास समुचित पदम चुनित, सही पद चुनना है। ठीक, तो खाना का क्या हो जाएगा, खाना का भोजनम हो जाएगा, खाना का भोजनम, जल जल का क्या हो जाएगा, जल का जलम हो जाएगा। दूसरा है खेत में, तो खेत में क्या हो जाएगा, क्षेत्रेषु। अगला है सूर्य, तो सूर्य का सूर्यम हो जाएगा, सूर्यम। ठीक, अगला चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब आ ल अ कम, इसको जोर के बनाना है, मिलाकर इसको संस्कृत बनाना में क्या बनता है बनाना है, तो आधा ब है ब आ आधा ल अ कम, तो क्या हो जाएगा, बाल कम। ठीक, वैसे ही दूसरा नंबर का देख लीजिए क्या है, आधा प अ आधा त अ न त ई पतंती। ठीक, न री त य अ म नृत्यम। ठीक, अगला है व अ र अ स आ वर्षा। ठीक, आपको बनाने आ गया या आप याद कर लीजिए, यही जाके आप मार दीजिएगा। अगला है आपका 4 नंबर देख लीजिए, अधोलिखिता नाम पदानाम सूचित संधि विच्छेदा नाम पद विभानम मेलन कुरुत, नीचे दिए गए पदों में उचित संधि विच्छेद पद विभाग से मिलान करें। 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का है। ठीक, तो देखते हैं, पहला है आपका जलमेव, तो जलमेव का क्या हो जाएगा, तो जलमेव का आपका जलम जोर एव हो जाएगा, जलम जोर एव। दूसरा है इत्यते, इत्यते का क्या हो जाएगा, इति जोर एते। ठीक, मिलान कर देते हैं दोनों, रुक जाइए। ठीक, पहला का क्या था, जलम जोर एव, दूसरा का क्या है, इति जोर एते। ठीक, चलिए दूसरा है जलमपी, जलमपी का क्या हो जाएगा आपका, जलमपी का जलम जोर अपि। तीसरा है कदापि के कदा जोर अपि। दूसरा है, पांचवा है सुजोर आगतम। और लास्ट आपका 6 नंबर सागर च का सागर जोर च। ठीक, ऐसे आप मिलान कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला 9 नंबर का है, 9 नंबर का है। ठीक, देख लीजिए, ये तो आपको पूरा पता होगा, आप पढ़े होंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पदेशु रिक्त स्थानानि पूरयेत, तो पदान से रिक्त स्थानों को पूरा करना है, 9 मार्क्स का है। क्या है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्व मम देव। ठीक, तो ये लिख दीजिएगा तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर उचित धातु पदस्य रिक्त स्थानी पूरयेत,
उचित धातु पद से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या है, यहाँ है नृत्यति, नृत्यतः नृत्यन्ति, तीतः अन्ति, सी थ थ, आमी आव आम। ठीक, तो ऐसे हो गया नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यसि नृत्यथ नृत्यथ, निर्यामी निर्याव निर्याम। ठीक, ये लिख दीजिएगा तो आपको कितना मार्क्स का है देख लीजिए, यहाँ 10 मार्क्स का है। ठीक, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत अनुवाद कुरु, संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ लिखा हुआ पहला, वह हंसता है तो वह का स हंसता है तो हंस, और एक वचन है तो हंसती, तो हंसती हो गया स हंसती, सीता पत्र लिखती है तो सीता पत्रम लिखती, मैं छठी वर्ग का छात्र हूँ, मैं छठी कक्षा का छात्र हूँ तो अहम सप्तम वर्गे पढ़ती। ठीक, लास्ट है आपका देख लीजिए घ नंबर, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है तो इसका क्या हो जाएगा, भारत अस्माकम देशे अस्ति अस्ति। ठीक, भारत अस्माकम देशे अस्ति, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओरिजिनल पेपर आपको चाहिए कमेंट में अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिए क्योंकि आप खोजते रह जाइएगा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब छोटा मोटा नहीं है, आपको वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी कभी भी आपको एग्जाम पड़े इसी चैनल पे आपका एकदम ओरिजिनल पेपर आएगा, सभी को ओरिजिनल पेपर मिल रहा है आपको। यदि एक दो बच्चा के 10 बच्चा के कमेंट कर रहा है तो उसको क्यों नहीं मिला, तो कमेंट नहीं किया था पहले सोचा कि मिल जाएगा, नहीं मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। थैंक यू।